दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कशफ। आप देख रहे हैं MKG टेक्निकल क्रिएशंस। तो गाइस, आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपके फ़ोन की। और गाइस, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप ज़रूर देखें अपने फ़ोन खोलकर और अपने फ़ोन में चेक करें कि ये क्या चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इसे यूज़ किए करें। तो गाइस, सबसे पहले हमें एप्लीकेशंस में जाना है। यहाँ पे ऐप्स के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पर परमिशन दिख रहा है ना, परमिशन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर परमिशन एक और है, यहाँ क्लिक करें। अब गाइस, यहाँ पे ये आपके आ गई परमिशंस कि आपका जैसे बॉडी सेंसर ऊपर लिखा हुआ है ना, अब दो मतलब इसमें लिखा हुआ है, इतने ऐप्स को, दो ऐप्स को मतलब परमिशन मिली हुई है इस टाइम बॉडी सेंसर की। फिर गाइस, ये देखिए, जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर देखने की परमिशन एक तो मेरे में तो जीमेल को पड़ी हुई है, गूगल को, और ये कैलेंडर को खुद। अब गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है वो है लोकेशन। ये देखिए गाइस, लोकेशन ये देखिए, तो अमेज़ॉन को लोकेशन पता है, पता होनी चाहिए। ब्राउज़र को लोकेशन पता है, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी ब्राउज़र को लोकेशन पता चले। कैमरे को पता है, कैमरा लोकेशन जो होती है। गूगल लोकेशन मैं नहीं चाहूँगा गूगल को भी, और ऐसे ही गाइस ये इनशेयर को भी। तो आप यहाँ पर ये कैमरे देखें और मतलब आप करें कि जो है ना, मतलब ये देखें कि आपकी लोकेशन किस किस को पता है। और ये स्नैपचैट को हमारी लोकेशन पता है, इसको भी हटाएं। और ये वेदर को पता है, वेदर को तो कर लेते हैं। अब ये देखते हैं, लोकेशन के बाद आते हैं हम कैमरे पे। कैमरे पे देखिए गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैमरे की। अब मेरे कैमरे की लोकेशंस देखिए किस किस को पता है। एक कैमरे को ख़ुद पता है, एक कैंपस को पता है, एक कैलेंडर एंड डायलर को पता है, बाकी ये कहीं पर भी नहीं है। बहुत से लोगों का गूगल का हमेशा होता है, मेरा भी था स्टार्टिंग में, क्रोम का ज़रूर होता है, मेरा भी था। तो गाइस, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा मैं करूँ। और गाइस, ये हो गया। अब ये कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट देखने की परमिशन किस किस को है। कैलेंडर को है, मैं कैलेंडर को नहीं चाहूँगा। कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर को है, ये तो ठीक है। जीमेल को है, गूगल को है, गूगल प्ले सर्विस को भी है, इंस्टाग्राम को क्यों हो, मैसेजिंग को भी है, MI Pay को भी है, और ये मेरे स्नैपचैट को है, स्नैपचैट को भी हटाता हूँ मैं। ट्रू कॉलर को है, व्हाट्सएप को है। ऐसे ही SMS सेंड करने की परमिशन देखते हैं। ये कॉल एंड डायलर ये गूगल को है, और ये यहाँ पर मतलब मैसेजिंग वेसेजिंग इन सब को है, आप चेक कर लें। और जो जो आपको मतलब ठीक लगे कि हाँ इन लोगों को पता होनी चाहिए तो ठीक है, वरना गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी हो कि नहीं इन लोगों को हमें परमिशन नहीं पता होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल उन्हें परमिट ना करें। ये देखिए गाइस, आप ऐसे ही सारे मतलब देख लें और सब हटा दें, और मतलब जो आपको इफ़ेक्टिव लगते हैं, जो एफिशिएंट लगते हैं कि हाँ मतलब बस यही होने चाहिए हमारे परमिशन के लिए, उनको कर लें। बाकी फिर आप और कुछ भी ना करें। सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है गाइस, अभी जाइए अपने, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एडिशनल ऐप्स में नहीं, ऐप्स के अंदर जाना है। अभी आपको परमिशन में जाना है, फिर यहाँ पर एक और परमिशन मांगेगा, और फिर आप अभी जाएँ और अभी इन सबको हटा दें। तब तक के लिए टाटा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे गाइस, अगर आपकी कैमरा लोकेशंस इन्हें पता होंगी तो फिर ये गाइस आपकी गैलरी में भी जा सकते हैं, और गैलरी में जाके आपकी कोई भी पिक्चर्स और फ़ोटोज़ को ले सकते हैं, और मतलब अपने पास, मतलब इनके पास एक तरीके से सोशल मीडिया पर कभी भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइस, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, और आप भी अपनी प्राइवेसी को ऐसे मतलब बर्बाद होने नहीं देंगे, तो इसीलिए आप कर लें ये सब। गाइस, क्या होता है कि सब लोग हमारे मतलब जब सारे ऐप्स को परमिशन मिली हुई होती है, तो फिर ये लोग हमारे जहाँ हमारी लोकेशन है उसको ट्रेस करते हैं, और वो हर बार ट्रेस करने के बाद फिर ये हमारी एक एक चीज़ का इन्हें पता होता है कि हम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, और फिर हम किस टाइम पर किस जगह पर चला रहे हैं। तो गाइस, ये चीज़ें मतलब इन्हें पता नहीं होनी चाहिए, और मतलब ये काफ़ी गलत है। तो इसीलिए गाइस, आप अभी जाएं और जिन जिनको आपको लगता है उन्हीं को ही सिर्फ करें, बाकी सबको हटा दें।